politics, sports, hot topic, Bollywood masala. व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। देश पवारांकडे म्हणे चला कपडे आम्ही यांचे काढले आणि ह्यांना आमचा पोपट दिसला। जनता होम्योपैथी विभाग में 2832 नवीन पदों के सर्जन हेतु मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। होम्योपैथिक चिकित्सा विकास महासंघ के जोधपुर जिले के उपाध्यक्ष डॉक्टर धीरज गोयल ने बताया कि आज होम्योपैथिक चिकित्सा विकास महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने जोधपुर सर्किट हाउस में AICC प्रेसिडेंट वैभव गहलोत, शेरगढ़ विधायक मीना कंवर, PCC चीफ उमेद सिंह राठौर से मुलाकात कर अवगत करवाया कि राज्य में 600 के करीब संविदा होम्योपैथिक चिकित्सक कार्यरत हैं, लेकिन पिछले 8 साल से होम्योपैथी के पदों पर भर्ती नहीं निकली है। हालांकि होम्योपैथी विभाग द्वारा 2832 नवीन पदों के सर्जन हेतु पत्र भी लिखा गया था, लेकिन उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसका नुकसान होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ साथ आमजन को भी हो रहा है और मुख्यमंत्री जी के निरोगी राजस्थान के सपने में भी रुकावट पैदा हो रही है। प्रतिनिधि मंडल ने आगे अवगत करवाया कि सरकार को किसी भी अतिरिक्त ढांचे की जरूरत नहीं है, सिर्फ जहां जहां PHC, CHC आयुर्वेदिक औषधालय है वहां वहां होम्योपैथी के पद सर्जित कर दे, जिस पर वैभव गहलोत, मीना कंवर, उमेद सिंह राठौर द्वारा प्रतिनिधि मंडल को सकारात्मक आश्वासन दिया। इस मौके पर डॉक्टर धीरज गोयल, डॉक्टर प्रियंका नरुका, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर राकेश कंसोटिया उपस्थित थे। नहीं सर, ये अभी अपने 2020 में ऑर्डर आया था, उसके बाद इसके ऊपर इन लोग आपसे मिलना चाहते थे। तुम ये जो दूसरा सबसे बड़ा हमारा स्टेडियम आपने अप्रूव करवाया राजस्थान में, इसके लिए आज सर्किट हाउस जोधपुर में होम्योपैथी चिकित्सा विकास महासंघ की शाखा जोधपुर द्वारा ACC प्रेसिडेंट श्रीमान वैभव गहलोत जी, शेरगढ़ विधायिका श्रीमती मीना कंवर जी एंड PCC सदस्य श्रीमान उमेश सिंह जी राठौड़ द्वारा अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया और उनको बताया गया कि पूरे राजस्थान में 600 संविदा होम्योपैथिक चिकित्सक लगे हुए हैं और उसके लिए नियमित करने हेतु हमारे विभाग द्वारा, होम्योपैथिक विभाग द्वारा तकरीबन 2832 पदों के लिए सरकार को लिखा गया कि नवीन पद सर्जित कर और इन होम्योपैथी चिकित्सकों को नियमित भी किया जा सकता है और हर PHC CHC पर और आयुर्वेदिक औषधालय पर एक एक होम्योपैथी चिकित्सकों के पद को सर्जित करने के लिए होम्योपैथी चिकित्सा विकास महासंघ द्वारा अवगत कराया गया और इसके अनुसार श्रीमान वैभव गहलोत जी द्वारा और PCC सदस्य श्रीमान उमेश सिंह जी राठौड़ एवं विधायिका महोदय द्वारा हमें आश्वस्त किया गया कि आपकी मांगों को शीघ्रतानुसार हम मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे और आपके जो नवीन पद हैं उनको हम जल्दी से शीघ्र ही सर्जित करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नगर निगम उत्तर द्वारा पार्षद पद से सड़क और सिवरेज लाइन का जो शिलान्यास के प्रोग्राम के हमारे मुख्य अतिथि जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अली जनाब सईद अंसारी साहब, शहर विधायिका हरदलजीत बहन मनीषा जी, हमारे जोधपुर नगर निगम उत्तर के लोकप्रिय महापौर साहिबा कुंती परियार जी, सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रोफेसर अयूब साहब, इस क्षेत्र की जुझारू पार्षद, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 5 वर्षों में इस क्षेत्र में कोई भी समस्या से क्षेत्र जो भी समस्या है वो सुश्रुता ओझा जी के नेतृत्व में महापौर महोदय के आदेश अनुसार और हमारे हरदलजीत राजस्थान सरकार के तो से मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के निर्देश पर जो भी इस वार्ड संख्या 20 की, चाहे वो शायद की समस्या हो, चाहे सीवेज की समस्या हो,
जैसा जी अंसारी साहब ने बताया कि यहाँ खुले तार हैं और छोटी छोटी गलियां हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सुष्मिता ओझा जी के नेतृत्व में इस वार्ड में सारी समस्याओं का समाधान इन 5 वर्षों में कर दिया जाएगा। मंच पर इस वार्ड की कांग्रेस प्रत्याशी सुष्मिता जी, पार्षद राकेश जी, जाई चौहान भाई और मेरे साथ पूर्व में पार्षद शशिकला जी ओझा, जो कि इस वार्ड से पूर्व में शायद 2004 से लेकर 9 तक में पार्षद थे मेरे साथ, उन्होंने भी इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस ब्रह्मपुरी के ऐतिहासिक प्रांगण में, जैसा कि सैयद अंसारी साहब ने कहा कि यह जोधपुर का हेरिटेज लुक है, यह जोधपुर का ही नहीं वरन संपूर्ण राजस्थान का हेरिटेज है ब्रह्मपुरी। जो भी, चाहे वो राष्ट्रीय पर्यटक हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हो, जोधपुर शहर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में वो आने से नहीं चूकता। अगर वो जोधपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में नहीं आया है तो समझ लो वो जोधपुर में नहीं आया है। तो इस ऐतिहासिक प्रांगण में मैं नगर निगम उत्तर के हूं कि सुष्मिता ओझा जी के नेतृत्व में इस बार में जो जो भी समस्याएं सुष्मिता जी हमको बताएंगे, चाहे वो रोड लाइट की समस्या हो, चाहे सीवरेज की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे पानी की हो, हम उसको समस्या को समाधान करने का भरकस प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।